हरियाणा में एक तरफ जहां कांग्रेस इस बार बाजी पलटने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी होड़ में गुटबाजी से पार करना आसान नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री पद को लेकर कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कभी कुमारी सैलजा तो कभी रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी सामने आ रही है। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को कैथल में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 100-200 करोड़ तो कैथल के लोगों को ऐसे ही दे जाता। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी रणदीप सुरजेवाला पेश कर चुके हैं। कैथल में जनसभा के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा, इस शहर ने मुझे मौका दिया शहर की सेवा करने का, शहर की तस्वीर बदलने का, इस शहर में नए आयाम, नए आधारे पैदा करने का, शहर में विकास की एक नई ताबीर लिखने का। लेकिन बीजेपी सरकार के 10 साल में ये शहर 20 साल पीछे चला गया है। जो चीज मैं छोड़कर गया था वो वही पड़ी है। बीजेपी ने इस शहर को हताशा और निराशा की बलि चढ़ा दिया। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। परिवार पहचान पत्र हो या प्रॉपर्टी आईडी, या फिर इलाके में जमीनों पर कब्जे या दुकानों पर टूटे ताले की बात हो, या फिर रंगदारी मांगने की बात हो, जिन चीजों का निर्माण मेरे समय में हुआ उन पर रंग रोगन भी नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी है, जो काम अधूरे रह गए थे वो अधूरे ही है। दोबारा कोई हाथ लगाने नहीं आया, ना कोई दृष्टि है, ना कोई रास्ता, ना विजन है। पूरे शहर को रेहड़ी मार्केट बना दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शहर में मेरे और आपके बच्चों को रहना है, इस शहर को मैंने और आपने मिलकर चलाना है। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि हर घर में एक पुराना मिस्त्री होता है, मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूँ। जब घर की तार खराब हो जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, तो पुराने मिस्त्री को बुलाया जाता है। मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूँ। मैंने ये शहर अपने हाथ से मंदिर की तरह बनाया है। जो आपके जो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप मुझे अपनी पुरानी नौकरी वापस दे दीजिए, मिस्त्री वाली। जैसे मेरे चाचा शहर में टायरों का काम करते हैं, मैं भी शहर में अपनी मिस्त्री वाला काम कर सकूं। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला बयान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसमें खुद को आगे बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस का रुख रहा है कि बिना चेहरे के जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वो लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लाल किले से रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के साथ पॉलिटिकल बाइक के साथ।